राम राम जी। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एचके यादव प्राथमिक स्कूल में, और बने रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए इधर आरती कुछ बना रही है। आरती क्या बना रही है? मैक्रोनी। मैक्रोनी तैयार हो रही है बच्चों के लिए। और हर्षित, हर्षित भी अपने परिवार के सदस्यों को अभिवादन कर रहा है। और फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, हम लोग पूरे दिन की दिनचर्या दिखाने की कोशिश करेंगे। और इधर देखिए फ्रेंड्स, अब आरती बनाने लगी मैक्रोनी। बच्चों की डिमांड थी आज के नाश्ते में मैक्रोनी चाहिए। क्यों आरती? ऐसे ही है ना? तो आरती ने आलस नहीं किया और शुरुआत कर दी मैक्रोनी बनाने की। क्या क्या डाल रही हो इसमें? प्याज है, दो हरी मिर्च है। अच्छा, प्याज, दो हरी मिर्च, टमाटर, और ये मैक्रोनी उबाल के रख लिए ना? हैं? ये देखिए मैक्रोनी उबाल के रख लिए आरती ने। और इसमें प्याज रोस्ट हो रही है और दो तीन हरी मिर्चें हैं, और इधर टमाटर रखे हैं। और बस कितनी देर लगेगी बनने में इसको? 5 मिनट। अच्छा, तो बड़ा रेडीमेड ब्रेकफास्ट है ये तो। और इधर देखिए फ्रेंड्स, हर्षित और यशिका पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में खेलते भी जा रहे हैं। यशिका को खांसी भी आ रही है। यशिका की मैक्रोनी यानी जो प्याज व्याज जो भून रहे हैं ना, उसकी वजह से कुछ तीखा निकल रहा है, तो उससे बच्चों को हल्की सी आने लगी खांसी। हर्षित यशिका खांसने लगी। और हर्षित यशिका बेटा इधर ध्यान दो, अपने परिवार के एक सम्मानित सदस्य ने पूछा है कि हर्षित यशिका कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? यशिका और हर्षित 7th क्लास में पढ़ते हैं। दोनों सेम ही क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि छोटे में ना हम सेम क्लास, छोटे पे हम इनके क्लास में आते थे। हाँ? हम तेज थे। तेज थे? अच्छा, हमको एबीसीडी नर्सरी क्लास में एबीसीडी लिखना बोलना सब आता था। अच्छा, इसीलिए मम्मी ने इनके साथ करवा दिया। अच्छा, ऐसा था। देखिए भाई यशिका कर रही है अपनी तारीफ। एक साल छोटे हैं। कि मैं ये 13 के। हाँ, यशिका 12 वर्ष की है और हर्षित 13 वर्ष के हैं। इनमें 1.5 साल का अंतर है। और शुरू से ही यशिका और हर्षित LKG नर्सरी से ना, नर्सरी से ही ये दोनों बच्चे एक साथ ही पढ़े। मैं जब नर्सरी में थे, हाँ, तब मैं LKG में थे। हाँ हाँ हाँ, यशिका सही कह रही है, मैं भूल रहा हूँ। यशिका नर्सरी में थी और हर्षित LKG में थे। फिर दोनों UKG में सेम हो गए ना, सेम क्लास में करा दिया। टैलेंटेड थी यशिका, तारीफ करने माहिर है आरती। देख रही हो आरती, यशिका कितनी तारीफ करने जा रही है अपनी, मैं टैलेंटेड थी। और अभी हर्षित पढ़ने में तेज है और यशिका भैया से पढ़ती है। सर भी आते हैं पढ़ाने ट्यूशन, फिलहाल अभी नहीं आ रहे हैं, 1 जुलाई से पढ़ाएंगे। और यशिका सर से भी ट्यूशन पढ़ती है मैथ की, और उसके बाद ट्यूशन पढ़ती है अपने बड़े भैया हर्षित से। सही है ना यशिका? हाँ। अच्छा, उनसे भी तो पढ़ती है, 3 दिन ट्यूशन मिल जाते हैं। हाँ, फिर मैं भी थोड़ा पढ़ाता हूँ। बिल्कुल, हाँ, स्कूल में टीचर से, फिर सेल्फ स्टडी करती है। सेल्फ स्टडी करती है यशिका, शाबाश। तो ठीक है बच्चों, क्लास 7th में पढ़ते हैं आप लोग और सेम क्लास में हैं। यशिका 12 वर्ष की है, हर्षित 13 वर्ष का है।
डाउट क्लियर कर दिया। डाउट क्लियर हो गया। हमारे परिवार के सम्मानित सदस्य को सारी चीजें बता दी, ठीक है बेटा। ओके, हेलो कर लो अब अपने सभी को। हेलो जी, नमस्ते। नित्या की तरह कर लो नमस्ते जी, नमस्ते जैसे नित्या कैसे कर रही थी। कैसे आप सब, आशा करते ठीक होंगे। बिल्कुल, परिवार को दादी दादू। कितनी आ रही है बताओ, दादी दादू की याद कितनी आ रही है? हैं, इतनी आ रही है? नहीं, हमको ये कमरे जितनी आ रही है। हाँ, घर जितनी आ रही है। तो बुलाओगे ना दादा दादी को? बुला लो, हम तो बुलाएंगे। बच्चे अपने दादी दादा से प्रतिदिन बात करते हैं और कई बार कह भी चुके हैं दादा दादी आ जाओ, उन्होंने वादा भी किया है। कब का वादा किया है बेटा? उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद आ जाएंगे। 6 महीने के बाद? नहीं, रक्षाबंधन पे आ जाएंगे। रक्षाबंधन पे आने की बात कही है दादी ने। चलो देखते हैं, या तो हम लोग चलेंगे ही रक्षाबंधन पर, या हम लोग नहीं जा पाए तो दादा और दादी और आ जाएंगे। और भैया भी तो आने वाला है। भैया कौन? विवेक भैया का फोन आया था ना कल। विवेक भैया आएगा, नित्या आएगी, तुम्हारी भाभी आएगी, है उनको फिर और मामा उनको फिर उनको कहाँ ले जाएंगे घुमाने मालूम है? लखनऊ, चिड़ियाघर, अयोध्या। कल बात हुई है मम्मी की भैया जी से, भाभी जी से, तुम्हारी भाभी से बात हुई है। तो अयोध्या की प्लानिंग हो रही है और लखनऊ, चिड़ियाघर, भूल भुलैया, इन सब की प्लानिंग चल रही है। और बच्चों का आ गया नाश्ता, ब्रेकफास्ट इज रेडी। यशका क्यों छींक रही हो? शुभ काम में नहीं छींकना चाहिए बाबू। कोई बात नहीं, छींक तो भगवान ने दी है, जब आएगी तब आती रहेगी। बताओ, अच्छा ऐसे ही बता दो, क्या बताना चाह रही है? क्या गिर गया? अच्छा, ओ माय गॉड, यशका बुक्स हटाओ पहले। और इधर हर्षित यशका खाने लगे, देखो अब देखेंगे नहीं इधर उधर, अब तो भूख लग रही है इन्हें। और इधर फ्रेंड्स मेरा भी नाश्ता आ गया, आइए आप लोग भी कर लीजिए मेरे साथ, स्वागत है आप सभी का। आरती तुम भी तो खा लो, ले लिया? हाँ निकाल लो, आ जाओ सब लोग तभी खाते। और देखिए आज लाइट नहीं आई है तो हम लोग के प्लांट सारे सूख गए हैं, ये सारे सूख गए हैं, इनका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। और देखिए इधर मम्मी क्या कर रही हैं, चले अंदर हम लोग। मम्मी क्या कर रही हो? क्या कर रहे हैं, सोच में है, सारे कपड़े पड़े हैं मशीन में। ये देखिए ये सुबह के सारे कपड़े पड़े हैं मशीन में, गीले हैं ये। अभी खाना कैसे बनेगा देखते हैं, कुछ का कुछ इंतजाम किया जाएगा। दूध भी फट गया है हमारा आज, फ्रीज नहीं चल रहा है ना इसीलिए, फ्रीज में ही दूध रखा था फट गया। ये सारे बर्तन भी सिंक में डले हैं अभी, और जो खाना पीना होगा वो बर्तन में ही आएंगे। कैसे होगा सब कुछ? पापा इंतजाम करेंगे कहीं ना कहीं से पानी का। हाँ हाँ, फैन भी नहीं चलाएंगे क्योंकि फिर इन्वर्टर पी कर जाएगा इसीलिए। अब चलो छत पे सारे लो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ कोई काम नहीं है, चलो छत पे बैठा जाए। छत पे ठंडा तब भी है, यहाँ पे तो पंखा भी नहीं चल रहा है। नहीं, खाना नहीं खाऊंगी, खाना तो देर में बनेगा अभी। चलो छत पे 1-1.5 घंटे बैठेंगे वहीं, इंतजाम तो करना पड़ेगा उसका। वो तो पापा जी आएंगे तब होगा। मैं तो सोच रही हूँ कैसे होगा काम आज। हो जाएगा, तुम नहीं सोच रही, सारे लोग सोच रहे हैं यहाँ पे जो भी है। ऊपर नीचे सब। हाँ, हमारा काम तब भी हो गया, सारे लोगों का काम भी पड़ा, काम भी पड़ा है। अभी बज रहे हैं 10 और लाइट आ चुकी है फाइनली, और मम्मी धो रही है बर्तन, और उधर मैं खाने में बननी है लौकी। लौकी कुकर पे चढ़ चुकी है, और भैया यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, और पापा एडिटिंग कर रहे हैं। पापा जी एडिटिंग कर रहे हो? हाँ बेटा, एडिटिंग कर रहा हूँ। पापा जी एडिटिंग कर रहे हैं। अब तो खुश हो तुम, लाइट आ गई? हाँ, बहुत खुश है हम। प्लांट्स में पानी भी डाल दिया हम लोगों ने अभी। सुबह से यशिका परेशान थी, सुबह से यशिका नहीं परेशान थी, सारे लोग परेशान थे। सारे लोग परेशान थे। हाँ, पौधों में पानी भी नहीं डाला था, तो पानी भी डाल दिया पौधों में। और फ्रेंड्स यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड,
और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पे भी करना। ये भाई देखिए एक सांस में कितनी डिमांड कर दी बच्चों ने। तो अब अभिवादन भी तो कर लो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड नाइट। अब मिलेंगे कल वीडियो में।